मनुष्य के दुखों का कारण उनका स्वयं का मोह है, कोई अन्य नहीं। इस संसार में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। सब रिश्ते नाते स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं और प्रत्येक जन्म में मनुष्य के रिश्ते नाते बदलते हैं। केवल जीवात्मा का परमात्मा से नाता ही चिरंतन है। स्वार्थ से भरे हुए रिश्तों से अपेक्षाएं रखना दुखों के कारणों में ही परिवर्तित होने वाला है। अतः मनुष्य ने अपना ध्यान और अपेक्षाएं केवल अपने परमात्मा से रखनी चाहिए। मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है। केवल सत्य सद्गुरु ही मोह माया का यह कठिन बंधन छुड़ाकर जीवात्मा को परमात्मा से मिलवा सकता है। सत्य सद्गुरु की प्राप्ति आसान नहीं होती। गत जन्मों के पुण्य फल और ईश्वर की कृपा के द्वारा ही सद्गुरु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सारे तीर्थ धाम सद्गुरु चरणों में है। समस्त सुख सद्गुरु चरणों में है। अतः यह अवसर व्यर्थ न जाने दो। सच्चे मन से और श्रद्धा से सद्गुरु चरणों में समर्पित रहो, शरणागत रहो। नाम स्मरण और भजन सद्गुरु भक्ति का सरल मार्ग है। अतः नाम स्मरण और भजन करें। इससे धीरे धीरे ध्यान समाधि अवस्था भी प्राप्त होगी। ध्यान से स्वयं के भीतर झांकोगे तो पाओगे समस्त आनंद, सुख, शांति और समाधान तुम्हारे भीतर ही है। अपने भीतर के परमात्मा से भी मिलोगे। अपने वास्तव सच्चिदानंद स्वरूप से अवगत हो जाओगे, फिर कोई दुख ही नहीं होगा। सदैव परमानंदित ही रहोगे। अतः समर्पित रहे, शरणागत रहे। सद्गुरु योग्य अयोग्य, सत्य असत्य का मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में अगर कठिन मोड़ आया तो सद्गुरु सहायक बनेंगे, रक्षा करेंगे। सद्गुरु के प्रति सच्ची समर्पित भक्ति करने से संसार का स्वार्थ और परमार्थ दोनों साध्य होगा। सच्ची श्रद्धा समर्पण युक्त भक्ति करें, सबूरी रखे, नाम जपे और भजन सुने। कल्याण ही होगा, जीवन सफल होगा। खुश रहो।